हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ईओटी क्रेन, दैट इज इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवल क्रेन में मोटर टॉर्क कंट्रोल कैसे किया जाता है इन केस ऑफ स्लिप रिंग जो कि लेफ्ट साइड में है, और इन केस ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो दोनों पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इंटरव्यूज़ में ये बहुत ही कॉमन और बेसिक सा क्वेश्चन है कि ईओटी क्रेन्स में किस टाइप के मोटर को यूज़ किया जाता है, और उसका आंसर हमने वीडियो के स्टार्टिंग स्लाइड में भी देखा था, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो दूसरे टाइप का होता है वो है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जो कि नीचे है। दोनों इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क कंट्रोल है वो अलग अलग मेथड से किया जाता है, अलग इक्विपमेंट यूज़ करके करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अदरवाइज़ जो कंस्ट्रक्शन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का, दोनों में डिफरेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्लिप रिंग रोटर और स्क्विरल केज रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखिए आप। स्लिप रिंग का जो रोटर है वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहता है, जैसा कि हम स्टेटर में देखते हैं। उसमें भी स्लॉट्स रहेंगे, वाइंडिंग्स रहते हैं, और उस वाइंडिंग्स को हम लोग बाहर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रशेज। पर ऐसा कंस्ट्रक्शन हमें स्क्विरल केज रोटर के केस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है, स्क्यूड रोटर कहते हैं। सो ये एक रीज़न है, जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका जो डायमेंशन होता है काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, जो कि हम लोग बाद में देखते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ VVFD, दैट इज़ वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव। टॉर्क को मेंटेन करने के लिए ड्राइव एक फार्मूला यूज़ करता है, दैट इज़ टॉर्क इज इक्वल टू V/F, आपने सुना होगा। तो इस केस में ड्राइव क्या करता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाता जाएगा, जिसके चलते जो टॉर्क का वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रह सके। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी ड्राइव स्टार्ट होता है तब HMI पे आप सिर्फ ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वाला पैरामीटर को रखिएगा, और वहाँ पे देखिएगा किस तरह वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी साथ में इंक्रीज़ होता है। और उसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है उसको मैं एंड वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। देयरफॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क का रिक्वायरमेंट है वो ड्राइव से फुलफिल हो जाता है। ABB, ACS 850 और 880 में कौन से पैरामीटर होते हैं उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आगे आने वाले टाइम में, आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क कंट्रोल होता है वो किस तरह करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में स्टार्टिंग टॉर्क को मेंटेन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स और पुराना मेथड है। जनरली आज के टाइम पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बहुत कम जगह यूज़ होता है। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो एडिशनल पार्ट हमने देखा था उसका मेंटेनेंस, और उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स है वो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं विद ड्राइव। स्टार्टिंग टॉर्क को समझने के लिए इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उसका जो कंपोनेंट्स है, जो पार्ट्स है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से मेजर पार्ट हैं, और इन सब में जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है येलो कलर के बॉक्स के अंदर, वो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क बूस्ट करने में हेल्प करता है। उसमें भी स्पेसिफिक अगर आप जाइएगा तो कार्बन ब्रशेज हैं और स्लिप रिंग्स। तो इन दोनों के थ्रू हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जो कि स्टार्टिंग टॉर्क में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है और हमारा टॉर्क इंक्रीज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने का है यहाँ पे, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं वो सिर्फ स्टार्टिंग में यूज़ होता है, दैट इज़ फॉर 10 to 15 seconds। उसके बाद इसे बाईपास कर दिया जाता है। सो एडिशनल कॉन्टैक्टर्स होते हैं आपके पैनल में, जो एक एक करके पिक होंगे, और उसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो कट ऑफ होता जाएगा। कुछ 5 सेकेंड पर होगा, कुछ 7 सेकेंड पर होगा, कुछ 10 सेकेंड पर होगा। 2 से 3 एक्सटर्नल कॉन्टैक्टर्स रहते हैं जनरली। लास्ट में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं किस तरह से स्टार्टिंग टॉर्क को कैलकुलेट किया जाता है फॉर इंडक्शन मोटर। सो स्टार्टिंग टॉर्क, जैसा हमने पहले बात किया था, जो भी टॉर्क बिल्कुल स्टार्ट के समय जनरेट होता है, डेवलप होता है, उसे स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं एज़ पर डेफिनेशन। और कुछ केसेज में ये रनिंग टॉर्क से ज़्यादा होता है, और कुछ केसेज में रनिंग टॉर्क से कम भी हो सकता है। नेक्स्ट, टॉर्क कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसे समझते हैं। E2 रोटर EMF पर फेज एट स्टैंडस्टिल, स्टैंडस्टिल मतलब अभी मोटर रोटेट नहीं हो रहा है, और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि वोल्टेज के जैसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट R2 है रेजिस्टेंस, दैट इज़ रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। उसके बाद X2 रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। सो R2 का जो वैल्यू है वो काफ़ी कम होता है X2 से। उसके बाद Z2 जो कि इम्पिडेंस हो जाएगा, और रोटर करेंट I2 इज इक्वल टू E2 बाई Z2 जो कि फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं E2/√R2² + X2². नेक्स्ट पावर फैक्टर, दैट इज़ cos ∅2 का फॉर्मूला यहाँ पे है। R2/Z2 दैट इज़ रेजिस्टेंस बाई इम्पिडेंस।
और नीचे में आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है टॉर्क कैलकुलेशन का, वो फॉर्मुलेट हो चुका है, दैट इज स्टैंड स्टिल और स्टार्टिंग टॉर्क, टी एस टी इक्वल टू के वन जो कि एक कांस्टेंट है, उसके बाद ई टू आई टू कॉस फाई टू। तो यहाँ पे टॉर्क आप देख सकते हैं तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग टॉर्क दैट इज ई टू आई टू एंड कॉस फाई टू। और फाइनली यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड बाय इंप्रूविंग इट्स पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर हमने देखा था फॉर्मूला में कॉस फाई टू, और पावर फैक्टर को इंक्रीज़ किया जाता है एडिशनल रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में लगाकर, जो कि स्टार कनेक्टेड होता है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कट कर देते हैं जैसे जैसे मोटर अपना स्पीड गेन करता है। इस सेंटेंस को समझने के बाद एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब एडिशनल रेजिस्टेंस डाल रहे सर्किट में तो वहाँ पे तो करंट कम होगा, तो वो भी सही है, पर स्टार्टिंग के समय जो पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है वो प्रीडोमिनेट करता है करंट डिक्रीजिंग इफेक्ट को इम्पिडेंस के चलते, सिंस करंट और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो टॉर्क इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट ही टॉर्क को बूस्ट करता है। देयरफॉर हम इस कंक्लूजन पे आते हैं, स्टार्टिंग के समय जो हमारा टॉर्क है दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क वो इम्प्रूव होता है बिकॉज ऑफ पावर फैक्टर, बट थोड़े टाइम के बाद दैट इज 10 to 20 seconds के बाद जो इम्पिडेंस है वो प्रीडोमिनेट करेगा इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव पावर फैक्टर पे, और उसके चलते टॉर्क डिक्रीज होना शुरू होगा। तो इस चीज़ को डिक्रीज नहीं होने देने के चलते हम लोग स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस को हटाते जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 seconds, 7 seconds and 10 seconds में जो टोटल रेजिस्टेंस है क्रेन का उसे हटा दिया जाता है। सो दोस्तों इस तरह हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।